हाय, गुड आफ्टरनून। बोलो जोर से। क्या नाम है आपका? आरती शुक्ला। कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं? गुड। आपने जब लर्नर के साथ पढ़ाने शुरू किए तो लर्नर को पहले से कुछ मालूम था या उनको कुछ मालूम नहीं था? पहले उन्हें केवल छोटा बड़ा वो भी थोड़ा थोड़ा मालूम था। उसके बाद में जब मैंने उन्हें पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया तो काफ़ी नर्वस थे। तो पहले जब मैंने उनका टेस्ट लिया तो टेस्ट में उनके अच्छे मार्क्स आए थे। तो उसके बाद मैंने लेसन वन से स्टार्ट किया। लेकिन जब उन्हें लेसन वन समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में उन्हें एक गेम खिलवाया, उसके बाद मैंने। बहुत बढ़िया। तो आपने लेसन वन को कितना दिन में कंप्लीट किया? लेसन वन कंप्लीट करने में मुझे 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे लग गए। लेसन वन, वाह, बहुत बढ़िया किए हैं। शायद आपने लेसन वन कंप्लीट करने के बाद नीचे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को भी आपने इस्तेमाल किए हैं? जी। ओके, तो इस पूरे किताब को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना दिन लगा? ओके। और उसके बाद आपने पोस्ट टेस्ट लिए थे? जी। पोस्ट टेस्ट में रिजल्ट कैसा था? पोस्ट टेस्ट में भी रिजल्ट इनका बढ़िया था, लेकिन उन्होंने फिर मुझे बताया था कि उन्हें काफ़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो मैंने फिर से उससे रिवाइज लेके टेस्ट लिया तो उसमें फिर से उनके रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आए। गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने बुक टू शुरू किया, तो बुक टू कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगा? बुक टू कंप्लीट करने के लिए मुझे मतलब आधा जून लगभग लग गया था, क्योंकि बुक टू में मात्रा पाई जो थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी तो उसे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लग गया था। बहुत बढ़िया। तो पूरा किताब में आपके लिए कौन सा चीज़ आसान था? क्या आप दिखा सकते हैं कि कौन सा चीज़ आपके लिए कठिन था बुक टू में? बुक टू में कौन सा मात्रा आपके लिए कठिन था? बुक टू में उन्हें चंद्र बिंदी सिखाना ज़्यादा कठिन था। ओके। तो और चंद्र बिंदी में उन्होंने लगभग 3 हफ्ते ले लिए थे सीखते सीखते। आपका लर्नर आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? लड़की या लड़का? लड़की। लड़की, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, वो मेरी मेड है। ओह, ओके। अभी आपने कंटिन्यू कर रहे हैं या आपने छोड़ दिए? अभी तो फिलहाल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1 महीना और पढ़ाने के बाद फिर मैं उनका एक टेस्ट लूँगा, उसके बाद देखता हूँ, अगर रिजल्ट बढ़िया आते हैं तो मैं छोड़ दूँगा, वरना अगर फिर से सारी चीज़ें रिवाइज करूँगा। बहुत बढ़िया। ऐसे आपने कितना टाइम देते हैं आपके लर्नर के लिए? मैं उन्हें कभी कभी 1 घंटा या कभी कभी 1.5 घंटा है। 1.5 घंटा तक भी? बहुत बढ़िया। तो आपके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेहनत की।